तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड हियर। तो मुझे जरा बताइए आप, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो, जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे दिस जस्ट, हाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे हियर, दिस इज करंट एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड हियर, और यहाँ पे ये जो करंट है इट इज कमिंग दिस वे, ठीक है। अच्छा तो करंट इधर जा रहा है, तो अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखो ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जैसे हियर, लेफ्ट हैंड रूल तो कौन किधर जाएगा, अगर ये थंब है ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, दिस वन हियर और ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है लाइक दिस वे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं तो ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है ए डी, करंट देख लो इस तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड राइट, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, यस इट विल मूव अपवर्ड। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ना ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और राइट वाला जो पार्ट है वो नीचे आएगा और वो रोटेट करने लगेगा। आर यू गेटिंग, ये आप भी जानते हैं, ठीक है, वो रोटेट करने लगेगा, ठीक है बड़े। सो इट स्टार्टेड रोटेटिंग, इसका जो हाँ साइड देख लेते हैं, साइड ए बी एंड बी टू सी एंड सी टू डी एंड डी टू ए, अगेन साइड देखो, ये दो जीरो डिग्री बना रहा है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन करंट एंड थीटा, मतलब एंगल बिटवीन करंट एंड थीटा, मतलब एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक, करंट एंड मैग्नेटिक, ये जीरो बना रहा है और ये 180 बना रहा है और ये दोनों 90-90 बना रहे हैं, और आपको मालूम है साइन थीटा ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा, नहीं सॉरी बी आई एल साइन, जस्ट बी आई एल, एल इसकी लेंथ ले लेते हैं, एल हम इसकी लेंथ लेते हैं, ये जो कॉयल है ना, ये जो कॉयल हमने लिया है दिस वन, इसकी लेंथ को एल ले लेते हैं और जस्ट फिट लेंथ को एल ले लेते हैं, ब्रेथ को भी ले लेते हैं, बी आई एल, तो यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे फोर्स आ जाएगा दैट इज बी आई एल, बी आई एल, यहाँ पे भी जीरो आएगा, यहाँ पे भी फोर्स आ जाएगा दैट इज बी आई एल, ठीक है, तो दोनों फोर्स भी मिल गए। तो मैं जरा डायमेंशन सिखा देता हूँ, जैसे यहाँ तो एक्चुअली हमारा ऐसा था, लुक हियर, ये कॉल इस तरह से, ये फोर्स ऊपर जा रहा है, ये फोर्स नीचे जा रहा है, हम लोग ये जो ब्रेथ है इसको ले लेते हैं बी, बी ले लेते हैं, बी फॉर ब्रेथ, और इसको ले लेते हैं लेनी, आपके सिलेबस में L1 L2 लिया गया तो ठीक है, एक मिनट आपके बुक का ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने लिया है दैट इज, एक मिनट रुको जरा मुझे देखने दो, मैंने L2 L1 किसको लिया है, L2 ये L1 लिया है बेटा, इसको इन्होंने जस्ट ठीक, आपकी बुक में ना इसको L1 लिया गया और ये जो है L2 लिया, तो हम लोग इसको L1 कर देते हैं और ये L2 लिया, ठीक है। तो ये जो लूप का जो एरिया होगा वो क्या होगा, लूप का जो एरिया होगा क्या होगा, इट्स अ लूप, ये क्या है दैट इज L2 और ये क्या है L1, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा दैट इज L1 इंटू L2 लेंथ इंटू ब्रेथ। हाँ चलो टॉर्क का, तो टॉर्क, टॉर्क हमने क्लास 11 में पढ़ा था, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था,
टॉर्क का फॉर्मूला होता है, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ठीक है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एल टू। तो फोर्स क्या है, बी आई एल वन एल टू, एल वन इंटू एल टू क्या हो जाएगा, दैट इज एरिया बी आई ए, ठीक है। ये वन टर्न का है, अगर एन टर्न्स होंगे दैट इज फॉर एन टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय एन, तो आ जाएगा बी आई एन ए, याद रखना बीना, बीना नाम होता है तो उससे याद रहता है, ठीक है, फॉर एन टर्न्स। कॉम्पिटन दिस वन भी आगे ही हुआ है, पूरा मुझे करना है, तो कॉम्पिटन दिस वन फर्स्ट। इसको ड्रॉ करिए आप, एक सेकेंड ना, कमिंग बैक। अच्छा, आपके बुक में थोड़ा गलत दे रखा है, उन्होंने राइट हैंड दे रखा है, राइट हैंड रूल नहीं लगता है बेटा, लेफ्ट हैंड रूल लगता है, ठीक है। तो अपनी बुक पे थोड़ा ध्यान देना, वो थोड़ा सा कई इसमें मिस्टेक्स भी बहुत है इस चैप्टर में। Just scroll down. ये मतलब एक लूप का, अगर एन लूप होते तो क्या होते, एन से मल्टीप्लाई हो जाता फिर। लेफ्ट हैंड रूल तो आपने पढ़ा भी होगा पहले, पर डीसी मोटर में यही प्रिंसिपल यूज होता है ना, वो रोटेट करने लगता है डीसी मोटर में जब करंट पास करते हैं, तो ये टेंथ में आपने पढ़ा था डीसी मोटर, वही है।
done, sir. Okay. Now, लेकिन ये डेरिवेशन खत्म नहीं होता क्यों खत्म इसलिए नहीं होता है जैसे थोड़ा सा एक्चुअली पूरा फॉर्मूला नहीं ये इनकम्प्लीट है इसलिए खत्म नहीं होता ठीक है क्यों खत्म नहीं क्यों नहीं होता जैसे देखो मैं समझा रहा हूँ कि अब मैं इसको 2D में ड्रॉ करने की कोशिश पहले वो डायग्राम तो 3D में था अब 2D में ड्रॉ करो लेट्स से ये नॉर्थ पोल था साउथ टू डायमेंशनल में हम इसको इमेजिन करेंगे ये नॉर्थ था और ये साउथ और ये जो था एक छोटा सा लूप बना लेते हैं ये तुम्हारा वायर है थोड़ा पतला बना देते हैं वायर ठीक है मतलब ये साइड से देख रहे लूप है लूप है तो होता क्या है कि एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है एक फोर्स नीचे की तरफ लगता है आपने वायर क्या लिया था एबीसीडी लिया था ना दिस वन वेट आपने क्या लिया था ए बी सी डी ऐसे लिया था तो ये सपोज कर लो ए और बी है तो साइड से देखेंगे तो लाइन दिखेगा ना बेटा हम साइड से देख रहे हैं वैसे एबीसीडी वायर था ना तो हम साइड से देख रहे हैं तो लाइन दिखेगा हमको तो ये ऊपर जा रहा था नीचे जा रहा था जैसे ये तो आपने लेंथ L2 ले लिया ये 90 पे था और लेंथ L2 था तो आपने टॉर्क का फॉर्मूला ले लिया दैट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपने इजिली कर लिया कि फोर्स क्या था बी आई एल वन और ये एल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये एरिया हो गया फिर एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो बीना हो गया कोई प्रॉब्लम ये ऐसे हो गया दिस हाँ एरिया क्या हो गया एल वन इंटू एल टू और ऐसे हो लेकिन थोड़े समय बाद ये ऐसे नहीं रहेगा अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है तो आप बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस वे ये बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही ठीक है एक मिनट को मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड मैं ड्रॉ कर देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस वे डायग्राम ठीक नहीं बन रहा रुक जाओ मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेंथ इधर कर देता हूँ हाँ लेंथ L2 इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर सो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग लाइक दिस ये मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा डायग्राम लेकिन थोड़े समय बाद क्या हो आप कहेंगे थोड़े समय बाद तो ये रोटेट कर जाएगा सर ये वायर जो है ये रोटेट कर जाएगा मतलब लूप सॉरी नॉट वायर लूप जो है वो रोटेट कर जाएगा ठीक है तो फिर कैसा हो जाएगा तो ध्यान दो जरा मैग्नेटिक फील्ड तो अपनी जगह पे रहेगा वो थोड़ी ना चेंज हो दैट विल रिमेन इन इट्स प्लेस ठीक है वो अपनी जगह पे रहेगा नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन इन इट्स प्लेस कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो लूप है वो ऐसे हो जाएगा वो जो लूप है इट्स लाइक दिस वे वो इस तरह से हो जाएगा वो लूप तो कुछ इस तरह से हो जाएगा लाइक दिस वे तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ लूप ऐसे हो जाएगा तो वो तो रोटेट कर रहा है ना ये फोर्स नीचे की तरफ है और ये फोर्स ऊपर की तरफ है स्टिल इट इज रोटेटिंग पहले तो ऐसे था अब वो धीरे धीरे रोटेट करने लगेगा तो रोटेट कर लेगा तो ऐसे थोड़ी ना रहेगा फिर तो कुछ एंगल बनाने लगेगा अरे विल मेक एंगल ठीक है अच्छा सो हाँ ये एंगल बनाएगा साइन डी बी ने एक मिनट रुको मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ 90 पे था हाँ ठीक है ओके अब ये एंगल बनाने लगेगा अब क्या होगा और ये लेंथ L2 है ये जो लेंथ है पूरा वो L2 है बेटा तो इधर हो जाएगा L2 को डिवाइड कर देते हैं L2 बाय 2 मतलब हम उसको ऐसे कर देते हैं लिख देते हैं ठीक से L2 पूरा लेंथ है ना A और B के बिटवीन A इधर आ गया तुम्हारा और B इधर चला गया हाँ तो इसको लिखेंगे
एल टू बाय टू और इधर भी आ जाएगा लेंथ एल टू बाय टू, इधर लेंथ हो जाएगा, पूरा लेंथ एल टू था। अच्छा अब जो है हम कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर लेंथ, तो अब देखो ध्यान से परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालेंगे, एक्सटेंड इट हियर, ये इसको इधर ड्रॉ करो। अब ये जो होगा ना दिस इज द परपेंडिकुलर लेंथ बेटा, अब ये जो है परपेंडिकुलर लेंथ होगा, लेट्स से ये एक्स ले लेते हैं और ये एक्स ले लेते हैं, तो परपेंडिकुलर लेंथ 2x हो जाएगा, नाउ परपेंडिकुलर लेंथ विल बी 2x। अब दोनों फोर्स के बिटवीन परपेंडिकुलर लेंथ, पहले क्या था देखो, पहले वाला डायग्राम देखो, दूसरे वाले डायग्राम में देखो, पहले वाले डायग्राम में दोनों फोर्स के बिटवीन परपेंडिकुलर लेंथ कितना आ रहा है, एल टू आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले में जो परपेंडिकुलर लेंथ एल टू नहीं आ रहा, वो 2x आ रहा, दैट इज 2x। तो 2x कैसे करेंगे सीएफ, 2x कैसे निकालेंगे हम लोग, लेट्स से ये कितना रोटेट कर गया, हम यहां पे ये रोटेट कर गया बाय एंगल थीटा, अगर ये लेट्स से ये थीटा एंगल रोटेट कर गया, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको, हम यहां पे कुछ नया भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ए बनाते हैं एरिया वेक्टर, ये जो एरिया था ना लेंथ L1 into L2, इसको वेक्टर बनाएंगे, आप कहेंगे सर इसको वेक्टर बना देंगे, हाँ वेक्टर बना देंगे, ये परपेंडिकुलर टू द लूप, जैसे ये रोटेट करेगा एरिया वेक्टर विल कम दिस वन, अब एरिया वेक्टर ऐसा हो जाए, एरिया को बेटा वेक्टर बनाया गया है, ऐसे हो जाए, और जो एंगल निकालेंगे ना, हाँ ये एंगल कितना बन गया थीटा, तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला ट्रायंगल ले लो बेटा, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है दिस वन, ऐसे करके जो ट्रायंगल दिख रहा है ये कितना है 90 माइनस थीटा, ये कितना है x और ये कितना है दैट इज एल टू बाय टू, मैं थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ, दिखाई देगा आपको, ठीक है ओके, मैं दोबारा फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनो, ये कितना है 90 माइनस थीटा, ये कितना है x, जो x हमको निकालना है, और ये है l2 बाय 2, तो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपरटेन्यूज, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन hypotenuse, cos 90 minus theta is sin theta, to 2x upon L, to 2x क्या हो जाएगा, that is L sin theta आ जाएगा, ठीक है, देखो L sin theta आ जाएगा, okay, now, अब torque का formula क्या होगा, that is force into perpendicular distance, ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे perpendicular distance L2 था, अब यहाँ पे जो perpendicular distance लोगे, L2 नहीं होगा, 2x होगा, तो हम लोग 2x की वैल्यू रख देंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स क्या है, दैट इज बी आई एल, फोर्स वही रहेगा बी आई एल वन, यहां पे भी फोर्स वही था, दैट इज बी आई एल वन, हाँ बी आई एल वन, आर परपेंडिकुलर की जगह 2x आ जाएगा, 2x की वैल्यू रख दो, तो बी आई एल वन एल टू साइन थीटा, x की वैल्यू रख दिए, परपेंडिकुलर जो है जैसे परपेंडिकुलर इज 2x, तो 2x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2x इज फ्रॉम हियर, 2x की वैल्यू यहां से ले आया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो L1 into L2 क्या बन गया, एरिया, L1 into L2 एरिया बन गया, तो टॉर्क क्या आ गया, बी आई ए साइन थीटा, और n टर्न्स अगर लेंगे तो n टर्न्स फॉर n नंबर ऑफ लूप्स, तो बिना साइन थीटा, बिना साइन थीटा, ये होता है इसका कंप्लीट फॉर्मूला, थीटा किसके बिटवीन एंगल है बेटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर मतलब नॉर्मल टू लूप, नॉर्मल टू रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर लूप के नॉर्मल, रेक्टेंगुलर लूप मतलब ऐसे, जैसे मान लो ये लूप है ना, तो एरिया वेक्टर इधर होगा नॉर्मल टू दिस वन, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है,
बी, इन दोनों के बिटवीन जो एंगल होगा दैट इज थीटा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो डेरिवेशन समझ में आया भी तो ठीक, पहले तो ठीक था. देखो पहला वाला डायग्राम देखो तो इजी था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था. पहला वाले डायग्राम में तो कुछ नहीं था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किया और हमने एरिया एल1 इंटू तो हो गया. लेकिन दूसरे वाले जब घूम जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल2 थोड़ी ना रहेगा, तो फिर L2 by 2 डिवाइड करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस x निकाला. ये समझ में आया आपको डेरिवेशन बॉयज एंड गर्ल्स? हैव यू अंडरस्टूड दिस? हाँ यस सर. नोट ऑन दिस वन, आई थिंक यहां तक कर लिया था ना. आप समझने के लिए चाहो तो दोनों ही कॉपी कर सकते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है. इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस L2 था, उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस L2 नहीं था, 2x था. और हमने एक नया वेक्टर, देखो हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग वेक्टर बनाते रहते. इससे पहले हमने BIL sin theta framing left hand rule बनाया था, तो वहां पे लेंथ को वेक्टर बना दिया था. अब यहाँ पे हमने एरिया को वेक्टर बना दिया, तो उसमें परेशान मत होना. ठीक है, एरिया वेक्टर जो ये परपेंडिकुलर है बेटा, ये जो है ना एरिया वेक्टर लूप के 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर होगा. आई होप दिस डेरिवेशन क्लियर टू एवरीवन. तो ये पेज नंबर 237 पे दिया गया था. आई होप ये टॉर्क वाला मैटर समझ में आया आपको पूरा.
डेरिवेशन एवरीथिंग बिना साइन थीटा होता है याद रखें। हाँ थीटा 90 है तो यू कैन से बीना, ठीक है। हमने नया वेक्टर इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा जो रेक्टेंगुलर लूप होता है ना, जिस रेक्टेंगुलर लूप से परपेंडिकुलर होता है, रेक्टेंगुलर लूप से परपेंडिकुलर होता है। और एंगल जो होता है वो नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल टू द लूप है, ध्यान रखना नॉर्मल टू लूप, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ना बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे हम लोग आज मीटिंग को एंड करेंगे। आप लोग जो ना जरा सा इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम कल हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, कंप्लीट करके एग्जिट कर आइएगा आप लोग, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Sure.